अब हर जगह से ये कोशिश की जा रही है कि जो सिख की लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सर पर जो दुपट्टा, हिजाब नहीं करती, वो सर पर दुपट्टा सिर्फ रख के जाती हैं, तो सर पर दुपट्टा ना हो, चुन्नी ना ले, वो बेशर्मी की इंतहा। देखिए दोस्तों, बात आएगी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हमारे कृपान पांच ककार जो हमारे सिखों के हैं, सिख बच्ची सिर पर दुपट्टा लेके नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती भाई? आएगी, देखेंगे आप कैसे रोकते हो। अगर हम चुप कर जाएंगे, मैं कहता हूँ ना, औरंगजेब जब आया था जी, उसने अकबर की जो टॉलरेबल पॉलिसी थी उसको खत्म किया था। उसने दारुल हरब से दारुल इस्लाम को लागू किया था। उसने हिंदुओं में जजिया बोध करने की कोशिश की गई। उसने हिंदुओं के मंदिर गिराने शुरू किए। आज वही औरंगजेब दोबारा हिंदुस्तान में पैदा हो गया, जो पहले कभी एक कभी किसी को हिजाब के नाम पे, कभी किसी को ककार के नाम पे, कभी किसी की पगड़ी पे, आज हमारी पगड़ी पे चैलेंज किया जा रहा है, आज हमारी कृपान पे चैलेंज किया जा रहा है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ से लाशें मारी जाएंगी, देखता हूँ हमें कौन छेड़ेगा। देखा दोस्तों आपने, अब ये हमारे सिख भाइयों के साथ भी होना शुरू हो चुका है। अब आप ये मत सोचिए कि आप किस कम्युनिटी से हैं, आपको इंसानियत का स्तर बरकरार रखना है, अपने देश का सर झुकने नहीं देना है। अब आप सोच के देखिए, ये सारी खबरें जब दूसरे देशों में जाएंगी, भारत जो एकता का प्रतीक है, उस पर आंच आएगी कि नहीं? खैर दोस्तों, चुप रहिए, अगला नंबर आपका है। दोस्तों इसी के साथ, मुसलमानों से कितनी नफरत की जाती है, लेकिन मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ, घबराना नहीं, हमारा इतिहास यही है। हमसे लोग नफरत करते हैं, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा जो महिला फेंका करती थी, उनसे जो नफरत किया करती थी, उल्टा सीधा बोला करती थी, या जो लोग कूड़ा फेंका करते थे, हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसको भी बद्दुआ नहीं दी, कभी भी उसको बुरा भला नहीं कहा। तो इसी के साथ खूबसूरत यादें बहुत बेहतरीन होती हैं, और यादें हम आपको दोबारा याद दिलाएंगे। आज के हमारे प्रिय माननीय मोदी जी का बयान देखिए। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। मित्र, यह गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। म्यूजिक, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। मजा आया तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा आगे खसकते हैं। अरे यार फिर से याद आ गया, उर्दू से इतनी नफरत है, आज बहुत सारे जानवरों को। अब आपकी स्क्रीन पर हमारे प्रिय, हमारी आन बान शान सरदार भगत सिंह, उनकी चिट्ठी है जो उन्होंने उर्दू में लिखी थी। सरदार भगत सिंह ने उर्दू में चिट्ठी क्यों लिखी? ऐसा क्या था चिट्ठी में जो वो हिंदियों से छुपाना चाहते थे? थोड़ा सा पीछे चले आइए, यानी हमारे दादा परदादा के वक्त, इवन ज्यादा पीछे नहीं, मैं अपना ही मामला बताता हूं। मेरी जो संस्कृत की टीचर थी, और लपर झंटोसो को झटकाने लगा, रजा भाई को संस्कृत आती है? हाँ, अरे बचपन में तुमने कभी संस्कृत पढ़ी है? पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़ती पढ़ता पठत, पठामी पठावा पठामा। नहीं 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 नहीं, रो नहीं भक्तो, तुम्हें नहीं पता, पाकिस्तान या सऊदी अरब के मुसलमान नहीं है हम। भारत के मुसलमान हैं। तुमसे ज्यादा संस्कृत हमें आती है, और तुमसे ज्यादा सांस्कृतिक हम है, तुमसे ज्यादा भारतीय हम है। यह हमारे देश का हाल है।
उम्मीद करते हैं कि मोहब्बत फैलाएंगे, नफरत नहीं, भाईचारे को बढ़ावा देंगे, नफरत को नहीं। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है, जो भी राय है नीचे कमेंट लिख दीजिएगा। अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।